हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोप्स ड्रामा वर्ल्ड। आज हम चाइनीज ड्रामा फाइंड योरसेल्फ के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छा चाइनीज ड्रामा है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग और लविंग है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है ही फैंगसिन, वो एक ब्लाइंड डेट अटेंड कर रही होती है। और उस ब्लाइंड डेट में उसका पार्टनर उसे कहता है कि हम दोनों को 32 इयर्स हो गए हैं, अब हमारी शादी की उम्र हो गई है, तो डेटिंग वगैरह में टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन के ही फैंगसिन बोलती है कि मैं शादी से पहले डेटिंग फेस एंजॉय करना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि हमारी इतनी एज हो गई है, अब डेटिंग फेस एंजॉय करने का टाइम खत्म हो गया है। ही फैंगसिन ये सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस सीन दिखाया जाता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉय को देखती है। एम्प्लॉय उस डॉक्यूमेंट को देख के कहता है, ये तो कितना छोटा लड़का है, ये हमारे साथ काम करने आएगा। तो ही फैंगसिन कहती है, क्या तुम छोटे लड़कों के साथ काम नहीं करोगी? तो एम्प्लॉय कहती है, अरे छोटे लोग बच्चे हमारे साथ काम करेंगे तो हम लोग डेटिंग कैसे करेंगे, ये छोटे बच्चे तो हमें डेट करने नहीं वाले। तो ही फैंगसिन कहती है, अच्छा तुम्हारी तो इतनी एज हुई है, मेरी तो इतनी एज हो गई, तो मेरा क्या होगा। ये सुन के वो दोनों हंसने लग जाते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि ही फैंगसिन कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए कॉपी मशीन के पास खड़ी होती है, और साथ ही के कैफेटेरिया में उसके एम्प्लॉयज डेटिंग फेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ही फैंगसिन उनकी बात सुन ही रही होती है। तो सब बोलते हैं कि ही फैंगसिन की कितनी एज हो गई और वो अभी तक उसकी लव लाइफ चालू नहीं हुई। ये सुन के ही फैंगसिन बहुत ही इरिटेटेड और दुखी हो जाती है, और वो वहाँ खड़े होकर इन सब की बात सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें इस स्टोरी के सेकेंड मेन लीड को दिखाया गया है, जिसका नाम है मिस्टर यी। ये एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं और आज बहुत ही गुस्से में होते हैं, और वो गुस्से में अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि मेरा पपिया सुबह से लापता है, तुमने उसे ढूंढा क्या, तुम कुछ कर भी रही हो? तभी वो कहती है कि हाँ, मैंने उसे ढूंढने के लिए सारे पोस्टर्स वगैरह लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ही फैंगसिन के ऑफिस में एक पपी आता है, और एक एम्प्लॉय उस पपी को उठा के कहता है, ये पपी यहाँ कैसे आया? तभी ही फैंगसिन अपने ऑफिस से बाहर आती है और कहती है, इस पपी को मैं आज सुलाई हूँ, ये मुझे सुबह लापता मिला था। और वो पपी को ले ही रही होती है कि एक एम्प्लॉय उसके पास आती है और कहती है, मिस ही, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा पाऊंगी, क्या आप मेरी जगह वहाँ किसी और को भेज सकती हैं? तो मिस ही योंगसंग को बुलाती है, मगर वो वहाँ नहीं होता। इसी के बाद हमें हमारी स्टोरी के फर्स्ट मेन लीड को देखने को मिलता है, जिसका नाम होता है योंग संग। ये बहुत ही हैंडसम होता है वो, और वो आज अपने कॉलेज में अपने एक प्रोफेसर से मिलने के लिए आया है, और ये प्रोफेसर कोई और नहीं, हमारी ही फैंगसिन का ब्रदर होता है, और इसका नाम होता है ही कैंग यांग। और ये और योंगसंग फ्रेंड होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी कैंग यांग पूछता है कि तुम आज ऑफिस नहीं गए? तो योंगसंग बोलता है कि आज मैं ऑफिस नहीं गया। तभी ही कैंग यांग बोलता है कि मेरी सिस्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पर मुझे लगता है आज उसका मूड अच्छा होगा, क्योंकि वो आज अपने 10 साल पुराने लवर से मिलने वाली है, और इन दोनों ने प्रॉमिस करा था कि 10 साल बाद जब ये मिलेंगे, तब ये दोनों अगर सिंगल होंगे तो ये दोनों शादी कर लेंगे। ये सुन के हमारा योंगसंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे जमाने में जी रही है, ये अब भी ऐसी बातों में विश्वास रखती है क्या? और ये बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिंगमिंग को दिखाया गया है। मिंगमिंग कोई और नहीं, हमारे मिस्टर यी की नीस होती है, और वो अपने क्लब में बच्चों को डांस सिखा रही होती है। तभी हमारे योंगसंग वहां आता है और वो उसको डांस के लिए इनवाइट करती है, और ये दोनों डांस कर रहे होते हैं। मिंगमिंग को योंगसंग के ऊपर क्रश होता है, ये उसको बहुत ही पसंद करती है। तभी ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, तभी हमारे योंगसंग को एक फोन कॉल आता है, और वो फोन कॉल उठाता है और बोलता है, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, और फोन कट कर देता है। ये हमारी मिस ही का कॉल होता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिस ही एक क्लाइंट से बात कर रही होती है, और क्लाइंट बहुत ही गुस्से में बोल रही होती है, मुझे डेकोरेशंस वगैरह पसंद नहीं आई। तभी हमारा योंगसंग उस डेकोरेशन को फाड़ देता है। क्लाइंट ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वहां से निकल जाती है। हमारी मिस्टर यी उसके पीछे पीछे आती है और बोलती है, सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मैंने उसको मैनर्स नहीं सिखाए, और झुककर उससे माफी मांगती है। क्लाइंट चली जाती है, मगर उसके बाद भी हम योंगसंग देखता है कि हमारी मिस यी वैसे ही खड़ी होती है। वो कहता है कि क्लाइंट चली गई, अब तुम उठ जाओ। तब मिस्टर यी कहती है कि मुझे उठा नहीं जा रहा, और वो उसको उठाता है। तभी उसकी कमर में मोच आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंगसंग उसको मसाज दे रहा होता है, और वो मसाज ही दे रहा होता है
तो वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मसाज देना बंद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइंट अपने हस्बैंड को लेके आ जाता। क्लाइंट का हस्बैंड कोई और नहीं, हमारे फैंगसिन के 10 साल पुराना लवर होता है। वो उसको देखकर हैरान हो जाती है, तभी वो भाग कर आकर हमारी फैंगसिन को गले लगाता है और बोलता है कि हम 10 साल बाद मिल रहे हैं, तुम कैसी हो वगैरह पूछता है। हमारी फैंगसिन बहुत ही दुखी होती है और वो बहुत ही दुखी में खड़ी ही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों कैफेटेरिया में बैठे हुए होते हैं और वो उसको वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है। हमारी फैंगसिन खुश होने का दिखावा करती है मगर वो मन ही मन बहुत ही दुखी होती है। हमारा योंगसन ये सब कुछ बैठकर देख रहा होता है और उसे समझ आ जाता है ये वही 10 साल पुराना लवर है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फैंगसिन कार के लिए वेट कर रही होती है। योंगसन वहाँ भाग कर आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी हमारी फैंगसिन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, और वो कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही दुखी होती है और अपने लाइफ के बारे में सब कुछ सोच रही होती है। कार रुक जाती है और वो कार से उतरती है और वो जैसे ही चलने लगती है एक लेडी आकर उनसे बोलती है कि क्या आप 2 मिनट वेट करोगे, हमारा कपल वेडिंग शूट कर रहा है। और वो वहाँ रुक जाती है और उस कपल को देखती है और सोचती है कि मेरी लाइफ में क्या लव नहीं है क्या, मेरे को मेरी लाइफ में एक प्रिंस चार्मिंग नहीं मिलेगा क्या। उसके बाद वो अपने आप को खुद ही कंसोल करती है और बोलती है कि नहीं, मेरी लाइफ भी ठीक होगी, मेरी लाइफ में भी एक प्रिंस चार्मिंग आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चल ही रही होती है कि बाकी बिल्डिंग के ऊपर से उसके ऊपर पानी गिर जाता है और वो बहुत ही दुखी होकर ऊपर देख रही होती है। इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड और भी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग है। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel and press the bell i button. तभी आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह कोशिश करी है कि मैं वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह कवर करूं। Thanks for watching. Please support guys. Your support means a lot.